Hello students, here is the first video of first lesson. The name of the lesson is Roman numerals. Okay, here the picture is shown of a clock, okay, which shows some digits, but these digits are in Roman numerals. Okay, such type of digits are called as digits in Roman numerals, right? Okay, here one dialogue is given between Gita and teacher. Let us see what Gita says. That Gita says that this clock doesn't have numbers, it has some symbols instead. Gita बोल रही है कि इस clock में numbers नहीं है. Numbers means 1, 2, 3, 4, like digits which we use in regular mathematics. Okay, तो digits नहीं है, numbers नहीं है. Then it has some symbols. तो उसकी जगह पर what is written? Symbols are written. Okay, then what teacher says? Yes, Gita, these are रोमन न्यूमरल्स. टीचर बोलते हैं हाँ गीता वो बराबर है, और इनको क्या बोलते हैं? रोमन न्यूमरल्स. इन यूरोप इन द ओल्ड टाइम्स रोमन कैपिटल लेटर्स वर यूज टू राइट नंबर्स, दैट इज वाई दे वर कॉल्ड रोमन न्यूमरल्स. ओके, उनको रोमन न्यूमरल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि पहले यूरोप में जिसकी कैपिटल रोमन थी. तो रोमन कैपिटल लेटर्स वर यूज टू राइट दीज नंबर्स. ओके, सो इसलिए उनको क्या बोलते हैं? रोमन न्यूमरल्स. देन द लेटर आई, कैपिटल आई, वॉज द सिंबल यूज फॉर 1. वी किसके लिए? 5 के लिए. देखो 5 के लिए वी, 2 के लिए डबल आई, राइट? ओके, 3 के लिए कैपिटल 3, क्या सॉरी कैपिटल आई 3 टाइम्स. द सेम वे 10 के लिए क्या है? कैपिटल एक्स. इन दिस वे द न्यूमरल्स आर यूज्ड. ओके, आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन नाउ इन दिस मेथड. इस मेथड में क्या है? देयर वाज नो सिंबल फॉर 0. लेकिन इस मेथड का क्या एक मेजर प्रॉब्लम ड्रॉबैक क्या था? कि उसमें 0 के लिए कोई सिंबल नहीं था. ऑल्सो द वैल्यू ऑफ अ सिंबल डिड नॉट चेंज विथ इट्स प्लेस. दूसरा ड्रॉबैक क्या है उसका? कि जैसे अपना अगर नंबर लिखते हैं, सपोज 546, ओके, यूनिट टेंस 100 वगैरह, ऐसा जो होता है प्लेस वैल्यू, ऐसा रोमन न्यूमरल्स में कुछ नहीं है. ओके, देन देयर आर सर्टन रूल्स फॉर राइटिंग नंबर्स यूजिंग द रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं. लेट अस सी हाउ टू राइट 1 to 20 यूजिंग दीज रूल्स एंड सिंबल्स कैपिटल आई, कैपिटल वी एंड कैपिटल एक्स. ओके, तो रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए क्या क्या रूल्स हैं वो देखते हैं एक एक करके. तो रूल 1, पहला रूल, इफ आइदर ऑफ द सिंबल्स कैपिटल आई और कैपिटल एक्स इज रिटन कॉन्सिक्यूटिवली, यानी कौन से तो भी दोनों में से कौन सा भी अगर एक सिंबल है, अगर हम वो कॉन्सिक्यूटिवली लिखते हैं. कॉन्सिक्यूटिवली का मतलब क्या है? एक दूसरे के बाद, तुरंत बाद. ओके, अगर कॉन्सिक्यूटिवली लिखते हैं 2 or 3 times, 2 या 3 बार, तो देयर सम टोटल इज द नंबर दे मेक. तो उसका आंसर क्या होता है? उसकी जो सम टोटल होती है, एडिशन की टोटल होती है, वो नंबर होता है. ओके, तो कैपिटल आई समझो 2 बार 3 बार लिखा, 2 बार लिखा, तो उसका मतलब क्या है? 1 + 1 = 2. कैपिटल एक्स है, 2 बार लिखा, एक्स एक्स, तो उसका मतलब क्या है? 10 + 10 = 20. कैपिटल आई कंटिन्यूअसली यानी कॉन्सिक्यूटिवली 3 बार लिखा है, तो उसका मतलब क्या है? 1 + 1 + 1 = 3. ऐसे अगर कैपिटल एक्स अगर 3 बार लिखा, तो 10 + 10 + 10 = 30, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर राइटिंग द रोमन न्यूमरल्स. ओके, देन लेट अस मूव टू रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 क्या है? द सिंबल्स कैपिटल आई और कैपिटल एक्स कैन बी रिपीटेड कॉन्सिक्यूटिवली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 times. ओके, यहां पर बताए ना, कॉन्सिक्यूटिवली 2 or 3 times, सिर्फ 2 या 3 बार लिख सकते हैं. दैट इज व्हाट इज स्टोर्ड इन रूल नंबर 2. व्हाट इज इट? ये जो सिंबल है कैपिटल आई नहीं तो कैपिटल एक्स, वो रिपीटेडली यानी बार बार कितनी बार लिख सकते हैं? ओनली 3 times, 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते.
समझो फोर लिखना है तो कैपिटल आई चार फोर टाइम्स नहीं लिख सकते हम लोग, ये गलत है। ओके फोर टाइम्स इट इज नॉट अलाउड, ओनली थ्री टाइम्स इट इज अलाउड कैपिटल आई। द सेम वे कैपिटल एक्स ऑल्सो थ्री टाइम्स ओनली इट इज अलाउड, नॉट फोर टाइम्स। दिस इज वॉट इज स्टोर्ड इन रूल नंबर टू। द न्यूमरल कैपिटल वी इज नेवर रिपीटेड कॉन्जिक्यूटिवली। ओके तो कैपिटल वी जो होता है वो ऐसा दो बार नहीं लिख सकते, जो कैपिटल वी फाइव के लिए यूज करते हैं वो ऐसा दो बार नहीं लिख सकते। ओके उसके लिए क्या दिया है, टेन एक्स दिया है। ओके दिस इज व्हाट इज रूल नंबर टू। देन रूल नंबर थ्री, व्हेन आइदर कैपिटल आई और कैपिटल वी इज रिटन ऑन द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ अ बिगर नंबर, इट्स वैल्यू इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिगर नंबर। ओके यानी अगर कैपिटल आई नहीं तो कैपिटल वी अगर किसी बड़े नंबर के अगर राइट साइड में लिखा जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उस नंबर में ऐड होती है। ओके उस बिगर नंबर में उसकी वैल्यू ऐड होती है। अब देखो ये आई छोटा है वी बड़ा है, ये जो छोटा नंबर है वो राइट साइड में लिखा है तो वो दोनों की वैल्यू क्या ऐड हो जाएगी, यानी वी का मतलब फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, वी के बाद कैपिटल आई लिखा है। ओके आई यानी छोटा नंबर है तो वो एडिशन हो जाता है उसका, वी आई आई मतलब फाइव प्लस टू सेवन, वैसे वी आई 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 ओके उसका मतलब फाइव प्लस थ्री एट, एक्स के बाद क्या कैपिटल आई लिखा है। ओके यानी कैपिटल आई छोटा नंबर है, कैपिटल एक्स बड़ा नंबर है। ओके कैपिटल एक्स मतलब टेन, कैपिटल आई छोटा नंबर है तो उसमें उसके एडिशन होती है। सो टेन प्लस वन इलेवन, देखो टेन प्लस टू ट्वेल्व, टेन प्लस थ्री थर्टीन, देखो टेन प्लस फाइव, वी का मतलब क्या है फाइव, वी छोटा है इसलिए एडिशन, एक्स एक्स वी मीन्स टेन प्लस फाइव फिफ्टीन, देन एक्स वी आई। ओके एक्स से ये छोटे है दोनों भी तो एक्स वी, वी आई का मतलब सिक्स। ओके तो एक्स का मतलब टेन, वी का मतलब फाइव, आई का मतलब वन, तो एडिशन होती है सिक्सटीन, राइट। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट रूल, रूल नंबर फोर। व्हाट इज रूल नंबर फोर, लेट अस सी नाउ। व्हेन आई इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ वी और एक्स। ओके यहां पर हमने ऊपर के रूल में कहा दिया सीखा है हमने राइट साइड में। ओके अब लेफ्ट साइड का देखते हैं। When I is written on the left of V or X, then its value is subtracted. अगर left side में लिखा तो उसकी value subtract होती है from the value of V or X. However, the symbol I is not written more than once before V or X. Okay, एक से ज्यादा time लिखा नहीं जाता। Okay, example देखते हैं। V के पहले I लिखा है। ओके तो ये फाइव में से एक माइनस होता है तो फाइव माइनस वन फोर। एक्स के पहले आई लिखा है। ओके तो उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, टेन माइनस वन नाइन। ओके बट द नंबर एट इज नॉट रिटन एज, तो एट लेकिन एट ऐसा नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता, रीजन इज ये आई जो है लेफ्ट साइड में दो बार नहीं लिखा जाता, ओनली इट इज अलाउड ओनली वन टाइम। ओके तो एट अगर लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, वी आई आई आई। ओके ये तीन बार अलाउड है। ओके दिस इज हाउ इट इज रिटन एज नंबर एट। ओके सो लेट अस मूव अहेड, सम एग्जांपल्स आर गिवन। व्हाट इज द एग्जांपल गिवन, हियर डाउन साइड वी हैव टू थिंक अ लिटिल डिफरेंटली टू राइट द नंबर्स 14 एंड 19। अब देखते हैं 14 और 19 कैसे लिखा जाता है। ओके ओके नंबर 14 हाउ इट इज रिटर्न, 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ओके ये 14 का स्प्लिटिंग किया है हमने, उसको थोड़ा सा बायफर्केट किया है। हाउ एवर वी डू नॉट यूज द सिंबल आई कॉन्सिक्यूटिवली फॉर मोर देन थ्री टाइम्स, लेकिन हमें ये 14 नंबर रोमन न्यूमरल्स में लिखने के लिए, समझो 10 के लिए एक्स है,
ये वन वन के लिए अगर वो फोर टाइम्स हम लोग नहीं लिख सकते हैं बिकॉज इट इज फोर टाइम्स इट इज नॉट अलाउड, हमने ऊपर देखा है रूल में. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हेंस वी शैल थिंक ऑफ द नंबर 14 एज 10 प्लस 4. तो नंबर 14 का कैसा सोचना पड़ेगा, 10 प्लस 4. अब 4 कैसे लिखना है, देन यूजिंग द सिंबल आई वी फॉर 4 वी राइट 14 एज, देखो x एंड आई वी का मतलब क्या है, 4, 10, ये 5, 15 एंड ये i इसमें से v में से माइनस होता है. सो 10 प्लस 4 इट बिकम्स 14. वैसे ही 19 के लिए क्या है, देखो 19 के लिए x यानी मतलब 10 एंड ix का मतलब 9, सो दिस 10 प्लस 9 सो इट मेक्स 19, राइट. दस टू राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 20 इन रोमन न्यूमरल्स वी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट अ गिवन नंबर्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 10, 5 एंड 1 एंड देन अप्लाई द रूल्स गिवन अबव. पहले हमें मालूम चाहिए 1 के लिए क्या है, 5 के लिए क्या है, 10 के लिए कौन सा लेटर है. एंड देन वी कैन राइट द रोमन न्यूमरल्स. 1 के लिए क्या है, कैपिटल आई. 5 के लिए क्या है, कैपिटल वी. एंड एक्स 10 के लिए क्या है, कैपिटल एक्स. वी हैव टू रिमेंबर दिस. दस अब 12 के लिए, 12 कैसा है, 10 प्लस 2 तो एक्स आई आई. 7 कैसा है, 5 प्लस 2 वी आई आई. 18 कैसा है, 10 प्लस 5 प्लस 3 लिखना पड़ेगा यानी एक्स वी आई आई आई. इन दिस वे इट इज रिटन. लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज, प्रॉब्लम सेट नंबर 1. इन दैट क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स. जो नंबर्स 1 टू 20 है वो कैसे लिखने हैं, यूजिंग रोमन न्यूमरल्स. अब वो मैं नोटबुक पर एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है. योर क्वेश्चन नंबर 1, हियर आई हैव रिटन नंबर्स टिल 1 टू 20. सो नाउ वी नो दैट फॉर द नंबर 1 व्हाट लेटर इज यूज्ड, कैपिटल आई. राइट. देन फॉर नंबर 2 व्हाट वी डू, 2 मींस 2 टाइम्स आई इज अलाउड. सो आई मींस 1 प्लस 1 इट बिकम्स 2. देन 3 आई 3 टाइम्स इट इज अलाउड, 3 बार अलाउड है आई. तो आई का मतलब 3. अब 4 लिखने से पहले हम लोग देखते हैं 5. 5 को क्या है, कैपिटल वी, कैपिटल वी. अब 4 लिखने के लिए क्या है, 5 माइनस 1. तो वी एंड माइनस 1 करना है तो माइनस 1 यानी लेफ्ट साइड में आई लिखना है तो उसका मतलब होता है माइनस 1 यानी ये हो गया 4, राइट. वी एंड लेफ्ट साइड में आई, इसका मतलब 5 माइनस 1 तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 4, राइट. देन 6 लिखने के लिए क्या है, कैपिटल वी एंड राइट साइड में आई, ये हो गया 6. 7 के लिए कैपिटल वी आई आई 7. 8 कैपिटल वी 1 2 3, 3 बार अलावड़े. तो ये हो गया 8. 9 तो लिखते हैं लेकिन उसके पहले 10 लिखते हैं. 10 के लिए क्या है, कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स. अब 9 लिखना है. अब वी आई 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 4 बार तो नहीं लिख सकते, अलाउड नहीं है, तो 10 माइनस 1 यानी 9, तो एक्स एंड लेफ्ट साइड में आई, देन इट बिकम्स 9. ऐसे 11 के लिए क्या है, एक्स एंड उसके राइट साइड में आई, इट बिकम्स 11. देन 12 के लिए क्या है, एक्स राइट साइड में 2 टाइम्स कैपिटल आई, इट बिकम्स 12. 13 के लिए क्या है, कैपिटल एक्स एंड टू द राइट साइड 3 आई, इट बिकम्स 13. 3 टाइम्स इट इज अलाउड, 4 टाइम्स इट इज नॉट अलाउड, 4 बार अलाउड नहीं है. 14 लिखते हैं बाद में, पहले 15 का देखते हैं. 15 यानी 10 प्लस 5,
10 प्लस 5 यानी x, ओके, एंड कैपिटल V, दिस बिकम्स 15, ओके. तो 14 के लिए क्या लिखना पड़ेगा? देखो 10 के लिए क्या है x, 4 के लिए क्या है आई वी, तो उस दोनों का कॉम्बिनेशन करना है. ये 10 प्लस 4 यानी आई वी, दिस बिकम्स 14, राइट. देन 16 के लिए क्या है x v, ये हो गया 15 और राइट साइड में i, ये हो गया 16, ओके. 17 के लिए क्या है x v एंड राइट साइड में दो बार i, ओके, इट इज 17. 18 के लिए क्या है x v एंड तीन बार कैपिटल i, इट बिकम्स 18, ओके. 19 बाद में लिखते हैं, पहले 20 का देखते हैं, x और x दो बार, इट बिकम्स 20. तो 20 और अब उसके बाद 19 का कैसे लिखना है, 10 प्लस 9, ये 10 एंड ये 9, तो 10 का लिखो x एंड 9 का क्या है आई एक्स, इट बिकम्स 19, ओके. सो दीज आर द रोमन न्यूमरल्स फ्रॉम 1 टू 20, ओके. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर्स. अब ये कौन से नंबर्स दिए हैं, ये रोमन न्यूमरल्स दिए हैं. अब इसका आंसर किस में लिखना है, इंटरनेशनल नंबर्स में, यानी ये जैसे है ना 1, 2, 3, 4 अपना जो रेगुलर, ओके, उस नंबर में लिखना है, ओके. तो देखते हैं नोटबुक में, ओके. हियर इज क्वेश्चन नंबर 2 रिटन इन नोटबुक. व्हाट इज द क्वेश्चन, राइट यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमरल्स, ओके. ये जो रोमन न्यूमरल्स दिए है इसको इंटरनेशनल न्यूमरल्स में लिखना है, ओके. व्हाट इज द फर्स्ट वन, कैपिटल वी. कैपिटल वी किसके लिए लिखा यूज किया जाता है, इट इज फॉर 5. नंबर 2 वी आई आई, वी कौन से नंबर के लिए यूज किया जाता है, 5. उसके आई आई जो है छोटे नंबर है, लेकिन राइट साइड में लिखे, अगर राइट साइड में अगर लिखा होता है तो उसका एडिशन होता है, तो 5 प्लस 2, इट बिकम्स 7, राइट. देन कैपिटल एक्स, इट इज यूज फॉर 10, राइट. देन एक्स आई आई आई, एक्स मतलब 10, एंड ये जो आई 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 जो है इसका मतलब 3 है, लेकिन वो राइट साइड में लिखा है, इसलिए क्या होगा उसका एडिशन, 10 में क्या होगा एडिशन, सो 10 प्लस 3, इट बिकम्स 13, राइट. देन एक्स आई वी, एक्स का मतलब क्या है 10, आई वी मतलब, अब वी मतलब 5, एंड उसके लेफ्ट साइड में अगर आई लिखा है तो इसका क्या हो गया 4, तो एक्स आई वी का मतलब क्या है 10 प्लस 4, इट बिकम्स 14, राइट. देन एक्स वी आई, एक्स का मतलब 10, वी का मतलब 5, 15, ओके. एंड आई जो लिखा है वो वी के राइट साइड में लिखा है, राइट साइड में लिखा है, इसलिए वो क्या होगा उसका एडिशन, तो 1 प्लस 5 6, एंड प्लस दिस 10, इट बिकम्स 16, ओके. देन नंबर 7 एक्स वी आई आई आई, एक्स वी तो 10 प्लस 5 15, प्लस 3 18. देन आई एक्स, यानी एक्स का मतलब 10, लेकिन ये आई कौन से साइड में लिखा है, लेफ्ट साइड में लिखा है, लेफ्ट साइड में लिखा है तो उसकी वैल्यू माइनस होती है 10 से, तो 10 माइनस 1, इट बिकम्स 9, ओके. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, ओके. क्वेश्चन नंबर 3, द क्वेश्चन इज फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस, ओके. दिस क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन हियर इटसेल्फ इन द टेक्स्ट बुक ओनली. नंबर व्हाट इज गिवन, 3, वो नोमर रोमन न्यूमरल्स में लिखना है. कैसे लिख सकते हैं रोमन न्यूमरल्स में, तो कैपिटल आई हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, इट बिकम्स 3, राइट. देन रोमन न्यूमरल दिया है वी आई आई आई, ओके, वी का मतलब 5, ये आई 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 जो है वो राइट साइड में लिखे हैं, इसलिए वो एडिशन होगा उसका, तो 5 प्लस 3, इट बिकम्स 8. 8 मीन्स वी हैव टू राइट ई आई जी एच टी 8, राइट, ओके. मूविंग टू द थर्ड, 6,
हाउ टू राइट सिक्स इन रोमन न्यूमरल्स, तो फाइव के लिए क्या है कैपिटल वी एंड प्लस वन करने के लिए राइट साइड में आई लिखो, इट बिकम्स सिक्स. देन रोमन न्यूमरल इज गिवेन एक्स आई आई, एक्स का मतलब टेन एंड ये जो आई आई है वो राइट साइड में लिखा है इसलिए उसका एडिशन हो जाएगा, तो टेन प्लस टू ट्वेल्व. तो ट्वेल्व का स्पेलिंग लिखो टी डब्ल्यू ई एल वी ई ट्वेल्व. ओके देन नेक्स्ट नंबर इज गिवन 15, तो हाउ डू वी राइट इन रोमन न्यूमरल्स 15 यानी एक्स और वी, 10 प्लस फाइव 15 राइट. देन रोमन न्यूमरल इज गिवन एक्स आई एक्स, एक्स का मतलब 10, आई एक्स का मतलब 9, 10 प्लस 9 19. देन दिस वी हैव टू राइट हियर एन आई एन ई टी डबल ई एन 19. ओके देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स. ये 9 लिखना है रोमन न्यूमरल्स में, कैसे लिखते हैं आई एक्स. 4 लिखना है आई वी. 2 लिखना है आई आई. 11 लिखना है एक्स आई. 17 लिखना है, 17 यानी 10 मतलब एक्स, 5 15 16 17. ओके दिस बिकम 17. 18, 18 के लिए भी अलाउड है एक्स वी आई आई आई, 3 बार आई अलाउड होता है. ओके सो दिस मेक्स द नंबर 18. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. ओके क्या दिया है, इन द टेबल बिलो ईच गिवन नंबर इज रिटन इन इंटरनेशनल न्यूमरल्स एंड देन अगेन इन रोमन न्यूमरल्स, इफ इट इज रिटन करेक्टली इन रोमन न्यूमरल्स पुट टिक मार्क, करेक्ट टिक मार्क इन द बॉक्स, इफ नॉट पुट क्रॉस साइन एंड करेक्ट इट. ओके और करेक्ट करके भी लिखना है. यहां पर फिर उसके लिए दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, यहां पर उन्होंने दिए नहीं, ये वी हैव टू मेक इट. ओके अब क्यों करना है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं. इंटरनेशनल न्यूमरल 4, वो कैसे लिखा है रोमन न्यूमरल्स में आई 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 आई, तो 4 टाइम्स, 4 बार कैपिटल आई अलाउड है क्या, नहीं अलाउड. तो ये करेक्ट है क्या, नहीं रॉन्ग ही. तो यहां पर रॉन्ग लिखो. ओके लिखा है रॉन्ग. ओके ये कैपिटल एक्स नहीं है, रॉन्ग का साइन है. ओके रॉन्ग का साइन. व्हाट इज द करेक्ट वन देन, 4 कैसे लिखा जाता है, देन कैपिटल आई एंड वी. ओके दिस इज द करेक्ट वे. ये गलत है इसलिए हमने यहां पर लिखा, ये गलत है और यहां पर लिखा 4. 6 वी आई बराबर है राइट साइड में आई, तो ये बराबर है, यहां पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं. 8 10 माइनस 2 बराबर है, इट इज नॉट करेक्ट, तो इट इज रॉन्ग. ओके देन हाउ इट इज रिटन, वी आई आई आई, इन दिस वे इट इज रिटन. 16 10 प्लस 5 प्लस 1 16, यस इट इज करेक्ट. 15 वी 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 5 5 5, इज इट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ये गलत है. ओके देन हाउ 15 इज रिटन, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वी, इट इज रिटन इन दिस वे. ओके आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस. ओके तो उसके नीचे और एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, वो आप लोगों को मालूम चाहिए. ओके ये स्कॉलरशिप में काम आने वाला है. ओके रेगुलर एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन ये स्कॉलरशिप में बहुत काम आने वाला है. ओके अब देखो हमने अब तक कौन से लेटर पढ़े हैं. ओके कैपिटल आई, कैपिटल वी, कैपिटल एक्स. ओके ये 3 लेटर पढ़े, और भी कुछ लेटर यूज किए जाते हैं. ये देखो यहां पर दिया है कैपिटल आई, कैपिटल वी, कैपिटल एक्स, उसके बाद एल, कैपिटल एल, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल एम, इतने सारे लेटर्स यूज किए जाते हैं. ओके तो
कैपिटल आई किसके लिए है, वन के लिए, कैपिटल वी फाइव के लिए, कैपिटल एक्स टेन के लिए, कैपिटल एल फिफ्टी, कैपिटल सी हंड्रेड के लिए, कैपिटल डी 500 के लिए, कैपिटल एम 1000 के लिए। ओके तो आई वी एक्स तो आप लोगों को याद रहेगा। ओके तो उसके बाद सिर्फ ये लेटर ध्यान रखना है, एल सी डी एम 50, 100, 500, 1000, ये ध्यान में रखो, ये पूरा समझ में आ जाएगा एल सी डी एम। ओके एल किसके लिए, 50 के लिए, सी किसके लिए, 100 के लिए, डी किसके लिए, 500 के लिए, एम किसके लिए, 1000 के लिए। ओके बाय यूजिंग दिस लेटर्स यू कैन राइट एनी नंबर। ओके तो एक नंबर लेता हूं मैं, सपोज आप लोगों को 78 लिखना है रोमन न्यूमरल्स, तो 78 कैसे लिखेंगे, पहला 50 का ले लो एल, ये हो गया 50। आप लोगों को कौन सा नंबर कंप्लीट कर रहे हैं, 70, तो L के बाद दो बार X ले लो, 50 प्लस 20 70 हो गया, और 8 के लिए क्या है, V I I I, दिस इज योर नंबर 78। ओके तो ऐसे ही वहां 100 तक कम्बा, आप लोग प्रैक्टिस करो 100 तक। ओके 1 to 100 रोमन न्यूमरल्स लिखने की प्रैक्टिस करो। ओके उसके बाद थोड़ा सा 100 के बाद भी अगर हो सके तो 1000 तक अगर हो गया तो, लेकिन सारे नंबर से लिखने, थोड़े थोड़े लिखने, ज्यादा नहीं, प्रैक्टिस के लिए थोड़े थोड़े नंबर ले लो, यानी 100 to 200 में से एक 8-10 ले लो, 200 से 300 तक 8-10 ले लो, ऐसी प्रैक्टिस करो। ओके इसका फायदा आप लोगों को स्कॉलरशिप में हो जाएगा। ओके यहां अपना लेसन नंबर 1 खत्म होता है। ओके आई विल कम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ लेसन नंबर 2। ओके थैंक यू।